So hey everyone, what is up? Welcome back to my channel. So hey everyone, what is up? Welcome back to my YouTube channel and to another vlog. So भाई first day ही है, अभी उसी का vlog edit हो रहा है और ये भाई पूरे edit हो रहे हैं, ताम जाम फैला पड़ा है, net वैसे ही नहीं आ रहा ठीक से और सब इधर उधर सब फोन से कनेक्ट कर रखे हैं. हो गया आधे ज़्यादा एडिट, बस जो ये मैक्स की फुटेज है और फ़ोन से जो बीच में शूट करा था वो सब डालना है और उसका ब्लॉग तैयार है. तो जब आप ये सेकंड वीडियो देख रहे हो उससे पहले ऑब्वियसली आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई कैसा लगा, क्योंकि फर्स्ट डे ही आया हूँ और भाई थके हुए, तब भी मैं एडिट कर रहा हूँ और अपलोड करूँगा इसके बाद. कोशिश है भाई नेट सही चले तो अपलोड हो गया होगा. और बाकी यही सीन है भाई, अभी एडिट कर रहे हैं, टाइम हो चुका है 8 बज रहे हैं, तो इस जब तक ये नहीं होगा तब तक भाई बाहर नहीं जाएंगे और फेस वॉश वगैरह कर लिए, मुंह साफ लग रहा होगा भाई, बहुत डस्ट निकली आज, थक गए हैं बहुत ज्यादा, तो घूमने का नहीं है मन. कितना घूमे हैं छोटा बड़ा थक गए मतलब जितना हाईवे पे नहीं थके ना उतना तो अमृतसर की गलियों में थक गए हैं भाई. कुछ कुछ भी हो रहा था, मतलब ये आगे खड़ा था, इसके पीछे एक वो स्प्लेंडर वाले पे दो लौंडे बैठे हुए, उसके पीछे मैं. स्प्लेंडर वाले ने भाई पटरी के ऊपर चढ़ा के मोड़ ली, उठाई है दोनों आगे निचले बाइक, एक ने आगे से उठाई है एक ने पीछे से उठाई है. तेरा क्या फायदा, वो दोनों तो उठवाई नहीं मेरे साथ. हमारी गांव भाई जहाँ से स्कूटियां निकल रही वहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, निकल जाएगी एक्टिवा तक नहीं निकल रही थी उस कट में से. भाई वो तो अलग ही ऐसे क्रैश करते हुए निकलते देख लिया जब तक ये वाला ब्लॉग आ रहा है. और यहाँ एसी चलाने की नौबत आ गई पर ये चल के नहीं दे रहा कम वक्त. भाई अभी जा रहे हैं खाना खाने, फाइनली वीडियो अपलोड पे लगी है बट 18% ही हुई है, बहुत देर से लगी हुई है, एक डेढ़ घंटा हो गया शायद. और इंटरकॉम भाई अपडेट कर दिया है इसने, सॉफ्टवेयर नए वाले इंटरकॉम का डाल दिया, मतलब वर्जन 2.0, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो 4 GB भी नहीं हो रहा. तेल लेने जा, फेंका कोरे मैंने उसको. मैं कहा यार मेन काम है एडिटिंग वाला, जो मेन काम है अपना अपलोडिंग वाला, एडिटिंग क्या कह रहा हूँ भाई, थके हुए हैं कुछ भी बोल रहे हैं, इसका बस चलते तो सो ही जाए. इसको तो मैं जबरदस्ती लेके जा रहा हूँ और मास्क तो ऐसे पहन रहा, बाहर बहुत ज्यादा ही कोविड हो बाहर, मतलब क्या बोलूं, किसी ने मास्क ही नहीं पहना हुआ, मास्क उनको पता ही नहीं क्या होता है. कहाँ जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? ब्रदर्स ढाबा. पता नहीं कौन सा ब्रदर्स है, मेरी मम्मी ब्रदर्स कह रही है जो दूर है, ये कह रहा नीचे है. ब्रदर्स नीचे देखते हैं भाई क्या सीन है. भाई अभी आ गए बाहर, थोड़ी रोशनी की कमी है क्योंकि आईफोन से ब्लॉग कर रहा हूँ और आगे जा रहे हैं. क्या है, क्या नाम, क्या उसका? ब्रावा था ढाबा. ब्रावा क्या खाने क्या मिलता है. ये तो कह रहा भाई कुछ खाना नहीं है, इसने खाली पेट दवाई भी ले ली. अब इसका सीन पता नहीं है क्या है, मेरे को भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है तो मैं भी थोड़ा कम ही खाऊंगा. बाकी देखते हैं उधर चलते हैं. कंसेप्ट देखा है, तराजू लटका रखी है स्ट्रीट लाइट पे और क्या है इसमें, प्लांट्स हैं, प्लांट्स डाल रखे हैं, बड़ी सही लग रही है, सब पे लटका रखी है. और क्या हुआ तेरे ब्रदर्स का ढाबा, कोई नहीं क्या? मैं तो चल रहा था, एक फुल पड़ा था वो और तूने खाना वैसे ही नहीं था. फुल तो यहाँ पे सारे ढाबे रहे. टाइम क्या हो रहा है अभी, 9:30 कुछ हो रहे हैं, अभी देखते हैं कुछ और खाएंगे. भाई हम रह रहे इसमें, इसका नाम है सारागढ़ी, सारागढ़ी सराय, और बिल्कुल 5-star होटल की तरह लग रहा है बाहर से, रात में लाइटिंग देखो. इसमें रह रहे हैं, यकीन हो रहा है? पहले कहा लेके गया था. भाई सामने देखो स्टैचू वगैरह बने हुए, पीछे भी बना हुआ था. रहना तुमने लद्दाख जाके टेंट में है, तो उसका अलग फील है, उसका अलग फील है, उसका भी अलग ही फील था. उसका बहुत अलग फील था, उसके लिए घर वाले बाहर निकाल देते मेरे को. बस चल रहे हैं, बार बार यही बोल रहा हूँ, बस चल रहे. कहाँ जा रहे हैं मेरे को नहीं पता भाई, इसको पता ही, पहले आ चुका है यहाँ पे, मास्क पहन के घूम रहा है, कोविड नहीं है मेरे को, गंदे आदमी. सामने स्टैचू किसका है देखना पड़ेगा. जा रहे हैं कि भाई ये स्टैचू किसका है, किसका है पढ़ ले. अबे कैसे समझ आएगा, उधर लिखा होगा ना सारी लैंग्वेज में. ये स्टैचू है महाराजा रंजीत सिंह का, जो ऊपर बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है. मेरे को लग रहा है इसमें ना फाउंटेन वाला शो भी होता होगा. अभी फाउंटेन नहीं है इसमें, बंद कर. अभी देखना इसमें शेर वाले जो पैटर्न है उसमें लग रहा है. और भाई को कुछ हिट कर गया अभी बड़ा बुरा. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. कट कट कट.
भाई अभी हम आए हैं ब्रदर्स के ढाबे पे और भाई ये मंगवाया हमने पराठा थाली। ये है दाल मखनी, चना मटर, रायता, पराठा। सही लग रहा है, आवाज भी नहीं आ रही हो मेरी। सो इस सीन के बाद भाई हम आ गए थे रूम में अपने, क्योंकि हुआ क्या था कि एकम की हो रही थी थोड़ी तबीयत खराब। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसे कुछ खाया नहीं, मैं ही खा कर आ गया था मैं अकेले, क्योंकि एकम रूम में चला गया था। तो उसके बाद मैं खा पी के रूम में आ गया था और उसके बाद भाई हमने रेस्ट करा, क्योंकि पूरे दिन की थकावट थी और इलेक्शन भी चल रहे हैं अमृतसर में, तो उस वजह से थोड़ा रोड वोड्स भी बंद थी, रोड वगैरह बंद थी, तो उस वजह से हम भी रूम में आ गए और उसके बाद फिर रेस्ट कर रहे थे। और फिर नेक्स्ट डे हम निकले, तो ये वाला ब्लॉग मैंने वहीं से कंटिन्यू करा था कि मतलब नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू कर लूँगा, बट वो अगर कंटिन्यू ऐसे करूँगा एडिटिंग में तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो वाला ब्लॉग जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसमें तो क्या हंसी मजाक हो रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ इस वाले को यहीं एंड कर देते हैं, छोटा सा है 5-6 मिनट का। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जो फूडी अनुज करके नया चैनल है मेरा उसको भी सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी बने रहो अपनी फैमिली में, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। Thank you.